क्या आपको पता है साल 2010 में आई रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म रोबोट के लिए रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन पहली पसंद नहीं थे। आपको बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्टर शंकर साल 1998 में बनाना चाहते थे और उस समय इस फिल्म के लिए कमल हासन और प्रीति जिंटा को कास्ट किया गया था। इवन कमल हासन और प्रीति जिंटा ने इस फिल्म के प्रमोशनल पोस्टर्स भी शूट किए थे, पर उस समय ये प्रोजेक्ट किसी कारण की वजह से बन नहीं पाया और साल 2010 में इस अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को डायरेक्टर शंकर ने दोबारा बनाया और इस बार इस मूवी के लिए मेगा स्टार रजनीकांत और ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया। आपको क्या लगता है, क्या इस मूवी के लिए कमल हासन और प्रीति जिंटा सही चॉइस होते या फिर रजनीकांत और ऐश्वर्या सही चॉइस थे? कमेंट में जरूर बताना।